जैसा आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा अपना जो मॉज का जर्नी था, मतलब से सिलेक्शन होने से लेकर कॉल आने तक, मॉजवरी मिलने तक, मैं सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने कैसे क्या किया जिस तरह से आप लोगों को आसानी हो, मेरी बात को समझे आप। अपना सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है आप लोगों का तो सिलेक्शन का होना आसान हो जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए सोचा है। तो मैंने जब MFC का फॉर्म फिल किया था तब मुझे मालूम नहीं था MFC सिलेक्शन होने के बाद हम अर्निंग कर पाते हैं। तब मैं अदर्स प्लेटफॉर्म में ज़्यादा वीडियो क्रिएट करती थी, जैसे इंस्टाग्राम रील्स हो या MX टकाटक हो। जब MX टकाटक मौज के साथ मर्ज हो गया उसके बाद से मैंने ज़्यादा मौज पर ध्यान दिया। मैंने YouTube पर वीडियो देखे, उस वीडियो में था जे MSC सिलेक्शन होने के बाद हम वहाँ से अर्निंग कर पाते हैं, तो उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। तो मेरा सिलेक्शन कितने दिन में हुआ मुझे ठीक से मालूम नहीं है, 1-2 मंथ होगा। मेरे प्रोफाइल में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डालती थी मौज ऐप पर, वो हफ्ते में 2-1 वीडियो डाल देती थी। लेकिन जब से मैंने उस वीडियो देखा समझा जे नहीं, दिन में 3-4 वीडियो अपलोड करना चाहिए, उसके बाद से मैंने रेगुलर दिन में 3 वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया। लेकिन मुझे बार बार होल्ड एंड टाइड विल बिगिन हाफ डन यही दिखा रहा था। तो मैं सोच रही थी जे मैं क्या करूँ जिससे मेरा सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो बहुत से यूट्यूबर ने सजेस्ट किया जे आप न्यू अकाउंट खोल लीजिए। तो मेरे उस अकाउंट अभी जो मौज सिलेक्शन हुआ है ये अकाउंट पर मेरे ऑलरेडी 1K फॉलोवर हो चुके थे। तो मैंने सोचा इससे मुझे 1K फॉलोवर हो चुके हैं फिर मैं न्यू अकाउंट खोलूं। तो मैंने उसी अकाउंट को सुधारने की कोशिश की। तो मैंने अपने प्रोफाइल पर प्रोफाइल पिक्चर, बायो, अपना मोबाइल नंबर ऐड किया। उसके बाद मैंने फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बहुत ही मैं परेशान थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने अपने सारे वीडियो को देखा, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो मेरा कुछ वीडियो था जो वाटरमार्क का था, जब मैं स्नेक वीडियो बनाती थी अदर और भी वीडियो बनाती थी वहाँ से मेरा वीडियो जो था वहाँ का वाटरमार्क आ चुका था। तो मैं उस वीडियो को, तब मुझे मालूम नहीं था कि वाटरमार्क वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए मौज पर क्या कोई भी प्लेटफॉर्म पर वाटरमार्क वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए, तब मुझे ठीक से मालूम नहीं था। तो उसके बाद मैंने जितना भी मेरा वाटरमार्क वीडियो था उस सारे को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने मौज के कैमरा से वीडियो शूट करना शुरू किया। दिन में 1 वीडियो तो मैं मौज के कैमरा से शूट करने लगी, और मौज के फिल्टर, मौज का लेंसर जो होता है मैं साइड में शो कर दूंगी, आप देख लेना। ये सब को मैंने यूज़ करना रेगुलर शुरू कर दिया, और जो हैशटैग आते हैं ट्रेंडिंग उस पर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ऐसे करने पर मुझे 1-2 मंथ के अंदर मुझे सिलेक्शन का मैसेज आ गया था। करीब ये मई में होगा शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, मई में होगा तब मेरा सिलेक्शन का मैसेज आ गया था। उसके बाद मुझे 27-28 दिन तक मुझे कॉल नहीं आ रहा था। तो मैंने मेल किया, मेल तो ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाकर डाल दिया है यूट्यूब पर, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो मैंने मौज को मेल किया, उसके बाद मेल 2 दिन हो गए फिर भी मेरा कॉल नहीं आया। तो एक सस्ते प्रोग्राम था उसे मैंने, उस फॉर्म को मैंने फिल किया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हूँ मैं। तो उसके जब मैंने सक्सेस प्रोग्राम को फॉर्म को फिल किया तब मेरा 12 बजे के करीब दोपहर को कॉल आया। उसके बाद उन्होंने, उसका भी वीडियो आप देख चुके होंगे, आज जिन लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर चले जाना, आप लोगों को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का। तो उसके बाद मैंने मौजवरी से बात की, उसके बाद उन्होंने उससे मैंने पूछा जे मुझे मौजवरी कब मिलेगा, तो उन्होंने बोला आज दोपहर को टाइम फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला शाम को भी मिल सकता है आपको या सुबह तक आपको मिल जाएगा। तो मुझे 7 बजे के करीब करीब शाम को मौजवरी मिल चुका था। उसके बाद मुझे मेल
मिंट मिलना स्टार्ट कब से हुआ? 1 हफ्ते का टाइम लगता है आपको मौजवरी मिलने के बाद भी, मिंट्स मिलने तक 1 हफ्ता। मेरा 9 दिन के दिन मुझे मिंट्स मिले, शाम को टाइम जाकर मुझे मिंट्स मिले, तो ज़्यादा मुझे मिल्स में नहीं मिले होंगे। आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जिन लोगों ने नहीं किया आप देख लेना, न्यू बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब पर। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने जो भी प्रॉब्लम था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसा अगर हो सके तो आप अपने प्रोफाइल को जाकर चेक कीजिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप अपने प्रोफाइल को जाकर चेक कीजिए, कोई गड़बड़ तो है नहीं है। जैसे कि मैंने चेक किया, मैंने न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं किया, मैंने अपने वही पुराने अकाउंट को ठीक किया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे मीन्स मिलना भी स्टार्ट हो गया। हाँ, टाइम लगता है, ये नहीं तो आज करे तो कल हो जाए ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। सिर्फ हम तो क्रिएटर नहीं, हमारे से बड़े बड़े भी मौज पर बहुत सारे क्रिएटर है, तो इस वजह से मौज टीम ढूंढने में उन्हें परेशानी होती है, चेक करना होता है। 1 दिन में उन्हें 1000 क्रिएटर को चेक करना होता है, रिव्यू करना होता है उनके प्रोफाइल को, तो इस वजह से टाइम लग सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कॉल नहीं आया तो आप लोगों को वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ, आई होप आप लोगों को कोई हेल्प मिल जाए मेरे द्वारा, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को हेल्प करना। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ मौज से रिलेटेड, शॉर्ट वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू।